गुड मॉर्निंग। देखिए मैं लंच बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, तो यहाँ मेरी रोटियाँ बन रही हैं और यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। आज मैं बना रही हूँ गिलकी की सब्ज़ी, जिसमें मैंने जीरा डाल दिया है और ये लहसुन हरी मिर्ची डाल दी है। प्याज नहीं डालूँगी, प्याज क्योंकि मेरी बहन आई है वो प्याज नहीं खाती सब्ज़ी में, तो मैं बिना प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी लहसुन और हरी मिर्ची टमाटर डाल के। और मैं आज बना रही हूँ गिलकी की सब्ज़ी। तो देखिए यहाँ मेरे लहसुन हो रहे हैं, लहसुन हो गए, तो इसमें मैंने हल्दी धनिया मिर्ची और थोड़ा सा मसाला डाल दिया है और पानी डाल दिया है। ये मसाला मेरा भुन रहा है, इसमें मैं अब टमाटर डालूंगी जब ये मसाला मेरा थोड़ा भुन जाएगा। देखिए मसाला मेरा भुन रहा है और मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर मैंने डाल दिए, अब मैं टमाटर गलेंगे जब तक इसको पकाऊंगी, फिर इसमें गिलकी डालूंगी। देखिए मेरे टमाटर हो गए, मसाला हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगी ये गिलकी। हम लोग इसे गिलकी बोलते हैं, आप बताइएगा क्या बोलते हैं। ये देखिए मैंने इसको डाल दिया है, मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक मिलाऊंगी और ऊपर से थोड़ी सी हींग। हींग मुझे ऊपर से अच्छी लगती है, कोई कोई साथ पहले ही डाल देता है मसाले में, पर मुझे ऊपर से इसका स्वाद अच्छा लगता है। तो अब यहाँ मेरी सब्जी पकेगी। नमक और हींग डाल दी है, अब ये इसे मैं ढक्कन लगा के पकाऊंगी। ढक्कन लगा दिया है, 5 मिनट तक ढक्कन लगे रहने दूंगी ताकि जो गिलकी है वो सीज जाएगी। मेरी सब्जी पक गई है, अब इसमें मैं अपने आवश्यकता अनुसार पानी डाल दूंगी। हम लोग इस चावल से भी खाएंगे, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालूंगी ताकि रसा अच्छा रहे। चावल के साथ थोड़ी रसीली सब्जी अच्छी लगती है। अब पानी डाल के इसको मैं 5 से 10 मिनट तक अच्छा खदका लूंगी। सब्जी बन के तैयार हो गई है, कैसी लग रही है बताइएगा। और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड का टिफिन भी लगा दिया है और यहाँ मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो गए हैं।